दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा आप जानते हैं, आज की जो बायोग्राफी है आपने थंबनेल में पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा। जो आज की बायोग्राफी है एकदम सक्सेस स्टोरी है, एकदम सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, जो है दोनों भाई भाविन तुरकिया एंड दिव्या तुरकिया। तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आप सुनिए, कुछ ना कुछ आपको इंस्पायर करेगा लेखक पर, क्योंकि बहुत ही पावरफुल बायोग्राफी है, पावरफुल सक्सेस स्टोरी है, जो हमारी इंडियन स्टोरी है। इन दोनों भाइयों ने, भाविन तुरकिया और दिव्यांग तुरकिया ने, अपने 1.5 दशक में लगभग 1 दर्जन कंपनियां खड़ी कर दी, जिनमें से 5 कंपनियों को बेचकर आज ये दोनों भाई भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए। 10-10 हजार करोड़ की निजी संपत्ति के मालिक हैं। इन दोनों भाइयों की सफलता की कहानी बेहद बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत ही प्रेरणादायक है। हमें जरूर यहाँ से प्रेरणा लेनी है, और हम यहाँ से इंस्पायर होंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इन दोनों भाइयों को काफी मेहनत करनी पड़ी। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी, दिव्यांग तुरकिया और भाविन तुरकिया ने कैसे इस सफलता को प्राप्त किया। media.net स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, दोनों को फाउंडर हैं। दोनों भाइयों का जन्म मुंबई में हुआ था। मुंबई के जुहू और अंधेरी इलाके में पले बड़े इन दोनों भाइयों ने मात्र 7-8 वर्ष की उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू कर दी थी। 1995 में जब भारत में इंटरनेट का आगमन ही हुआ था, उसी समय इन दोनों भाइयों को अच्छी खासी कंप्यूटर और इंटरनेट की नॉलेज हो गई थी। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई और खेल पर ध्यान देते हैं, उस उम्र में उन दोनों भाइयों ने अपनी कंपनी खड़ी कर दी थी। उस समय इन दोनों भाइयों की उम्र 14 और 16 वर्ष की थी। भाविन ने अपनी स्कूली शिक्षा आर्य विद्या मंदिर बांद्रा में की, और फिर साइंस में आगे बढ़ने के DG रूपारेल कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी की। दिव्यांग को शुरू से ही कंप्यूटर से खास लगाव था। उनके पिता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मां समाज सेविका है। दिव्यांग के परिवार में उन दिनों एक कंप्यूटर खरीदना आसान नहीं था। उनका परिवार खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए वो अपने अमीर दोस्तों के कंप्यूटर से ही सीखा करते थे। 9 वर्ष की उम्र में ही दिव्यांग ने बेसिक्स में प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया। उनकी रुचि लगातार इसमें बढ़ती चली गई। दिव्यांग ने बहुत ही छोटी उम्र में तकनीकी के बारीकियों को ऐसे सीख लिया जिसे सीखने में एक आम युवा को सालों लग जाते हैं। खास बात तो यह है कि इसे सीखने के लिए उन्होंने किताबों की मदद ली। किताबें पढ़ने के शौकीन थे उनके पिताजी। दिव्यांग बताते हैं कि उनके पिता की रुचि किताबों में थी, इसलिए उनके घर में ही लाइब्रेरी बनी हुई थी किताबों की। इसी वजह से उनके घर पर हर सब्जेक्ट की किताबें उपलब्ध थी। दिव्यांग को अलग अलग विषयों की जानकारी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो किताबों को पढ़कर जानकारी इकट्ठा करते थे, इन्हीं को पढ़ने के बाद अपनी जानकारी को प्रयोग में लाते थे और सीखते थे। उन्होंने महज 13 वर्ष की उम्र में अपने भाई भाविन के साथ मिलकर एक स्टॉक मार्केट सिमुलेशन गेम तैयार किया, जो स्टॉक मार्केट की कीमतों पर नजर रख सकती थी। भारत में इंटरनेट के आ जाने के बाद आने वाले भविष्य में वेब होस्टिंग बिजनेस में बेहतर और अच्छी खासी संभावनाओं को देखते हुए इन दोनों भाइयों ने वेबसाइट होस्टिंग में अपना हाथ बढ़ाया, जिसके लिए उन्होंने अपने पिताजी से 35,000 रुपए का कर्ज लिया। दोनों भाइयों ने मात्र 16 और 18 साल की आयु में ही 1998 में अपने घर से ही डायरेक्ट आई ग्रुप स्टार्टअप की शुरुआत की। यह उनकी पहली वेब होस्टिंग की शुरुआत थी। डायरेक्ट आई ग्रुप स्टार्टअप शुरू करने के बाद मात्र 4 वर्ष में दोनों भाइयों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर कंपनी को सालाना 10 लाख रुपए के टर्नओवर तक पहुंचा दी। इंटरनेट में लगातार बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए जल्द ही वो लोग डोमेन नेम बेचने के बिजनेस में भी उतर गए, जिसके बाद कंपनी का टर्नओवर सालाना लगभग $1 करोड़ तक पहुंच गया।
अब उन्होंने अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए 2005 में स्केंजो नामक एक और कंपनी का स्टार्टअप किया, जो अनयूज डोमेन को खरीदकर उन्हें अधिक कीमत पर बेचा करती थी। दोनों भाइयों ने अपनी इस कंपनी के जरिए कई ऑनलाइन प्रोजेक्टों में हाथ आजमाए, जो काफी सफल रहे, क्योंकि उनकी कंपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट में भी अच्छी पकड़ बना चुकी थी। इसके बाद 2010 में दोनों भाइयों ने स्केंजो को media.net में तब्दील कर दिया, जिसका सालाना टर्नओवर 2005 तक 23.2 करोड़ डॉलर से भी अधिक का हो चुका। 2016 में जब media.net का वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ डॉलर तक पहुंचा, तब इसे चीन की माइटेनो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने पूरे 90 करोड़ डॉलर, लगभग 6,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया, जिसके कारण वो दोनों भाई 2016 में भारत के सबसे युवा अरबपति बन। वो लोग आज भी media.net को चीनी कंपनी के सहायक के तौर पर चला रहे हैं और कई बड़ी कंपनी में बतौर शेयर पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिता से पैसे उधार लेकर इन दोनों भाइयों ने आज 1400 कर्मचारी वाली कंपनी खड़ी कर दी, जिसकी नेटवर्थ 400 मिलियन डॉलर से भी अधिक है। इन दोनों भाइयों ने अपनी नई सोच और मेहनत के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी है। इनकी यह कहानी सभी के लिए इंस्पिरेशनल, और मैं चाहता हूं कि आप भी इंस्पायर हो। फोर्ब्स के अनुसार 2019 में भाविन तुरकिया को 12,623 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में शामिल किया गया था। 2014 में उन्होंने इस कंपनी का बिग रॉक लॉजिक बॉक्सेस और रिसेलर क्लब जैसा वेब प्रेजेंस बिजनेस नेस्डेक पर लिस्टेड एंड्योरेंस ग्रुप को 14 करोड़ डॉलर में बेचा। दोनों भाइयों ने कुल 5 कंपनियों को बेचकर 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा का रिटर्न हासिल किया। फिर भी ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं आए, फिर सफलता के गाड़े उन्होंने झंडे। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले तुरकिया ब्रदर्स ने गेमिंग बिजनेस से अपनी कंपनी की शुरुआत की और फिर वेब होस्टिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और ऐप की दुनिया में कामयाबी हासिल की। भारत के साथ साथ इनकी कंपनी अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से चलाई जाती है। जुलाई 2019 में भाविन के बैंकिंग टेक उद्यम जेटा के सोडेक्सो से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ। अगस्त 2021 में भाविन द्वारा स्थापित उनकी पेशेवर ईमेल सेवा में ऑटोमेटिक से 245 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, जिसमें टाइटन का मूल्यांकन 245 करोड़ रुपए। भाविन तुरकिया और दिव्यांग तुरकिया, जो को फाउंडर हैं डायरेक्ट आई स्टार्टअप के, कैसे मेहनत और शिद्दत के साथ आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। भाविन ने जो सफर कुछ हजार रुपए में शुरू करके आज कई हजार करोड़ रुपए का हो चुका है। उन्होंने कई धारणाओं को तोड़ा ही नहीं, बल्कि नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई और बिजनेस के नए मॉडल भी खड़े किए। भाविन तुरकिया ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत, समर्पण, दृढ़ निश्चय किस्मत बदल सकती है। एक मिडिल क्लास वर्ग के युवा लड़के को एक बहु अरब डॉलर की कंपनी का मालिक बना सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आज की बायोग्राफी? एकदम जबरदस्त थी ना? तो मैं भी चाहता हूँ कि आप कुछ तो इंस्पायर हो, यहाँ से कुछ ना कुछ आप इंस्पिरेशन लें और आप भी देखें कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। और देर ना करें, अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया एकदम सुपर सुपर सक्सेसफुल है और आपकी बर्निंग डिजायर है, देन जस्ट गो हैड एंड डू स्टार्ट। तो थैंक यू सो मच। आपको आज की बायोग्राफी से क्या सीख मिली, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई लव टू रीड द कमेंट्स एंड आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल फॉर द फ्यूचर वीडियोस एंड लाइव सेशन। तो थैंक यू सो मच। कीप इंस्पायरिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।